शायद आपको लगता होगा कि सिर्फ इंसान और जानवर ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस धरती पर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो शिकारी और मांसाहारी हैं। ये मांसाहारी पौधे अपने भोजन के लिए किसी शिकारी की तरह घात लगाए रहते हैं और शिकार के पास आते ही उस पर हमला बोल देते हैं। आइए आपको भी बताते हैं इन मांसाहारी पौधों के बारे में। नंबर एक, गंध के जरिए शिकार करने वाले पौधे। मांसाहारी पौधों में से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो खास तरह की गंध फैलाते हैं, जो गंध कीटों को बेहद आकर्षित करती है। ये पौधे अपने शिकार को इस गंध के जरिए ललचाते हैं, और जैसे ही कोई कीट इस गंध को सूंघते हुए इस पौधे के करीब आता है, ये पौधे उसका शिकार कर लेते हैं। इस तरह के पौधों में खास तरह के बैक्टीरिया और एंजाइम होते हैं जो इन कीड़ों को पचाने में सहायक होते हैं। नंबर दो, मांसाहारी पौधों में से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर कांटे लगे होते हैं, और वह इन कांटों से कीड़े और छोटे परिंदों को जकड़ लेते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी सतह काफी फिसलन भरी होती है, और जैसे ही कीट इन पौधों के पत्तों पर बैठते हैं तो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। भारत में भी एक ऐसा ही मांसाहारी पौधा पाया जाता है जिसे नागफनी के नाम से जाना जाता है। नंबर तीन, कुछ मांसाहारी पौधों में रेशे निकले होते हैं जो अपने अंदर कीड़ों को फंसा लेते हैं। कुछ पौधों का मुंह तो ढक्कन जैसा होता है जिसमें कीड़े फंस जाते हैं। मांसाहारी पौधे कीड़ों को अपना भोजन बनाकर उसमें से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नंबर चार, वीनस फ्लाईट्रैप नाम का एक पौधा होता है जो जिस पर काफी कांटेदार पत्तियां लगी होती है। ये पत्तियां मेंढक, छिपकली और घोंघे जैसे जीवों को भी अपने अंदर फंसा लेती हैं, और जब तक ये जीव गल कर इस पौधे का भोजन नहीं बन जाते तब तक ये पत्तियां नहीं खुलती। नंबर पांच, यूनिकुलेरिया नामक मांसाहारी पौधा दिखने में बेहद कोमल और खूबसूरत होता है, लेकिन ये पौधा बिजली की रफ्तार से अपने पास आने वाले कीटों को अपना भोजन बना लेता है। ये जल मक्खी और टैडपोल जैसे जीवों को भी खा जाता है। ये मांसाहारी पौधा बहुत ही फुर्ती से अपने शिकार को धर दबोचता है। नंबर छह, पिंगिकुला नामक ये पौधा दिखने में बेहद कोमल और हरा भरा होता है, लेकिन ये कीड़ों को भ्रमित कर उन्हें अपना निवाला बनाता है। इस पौधे की हरी भरी पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, और इन्हीं से आकर्षित होकर कीड़े इन पत्तियों पर बैठते हैं, और फिर ये पौधा उन कीड़ों को अपना भोजन बना लेता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।